हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की एक मीटिंग हुई थी सभी एमसीएच के साथ और जितने भी अपने नेशनल इम्पोर्टेंस इंस्टीट्यूट हैं उनके साथ में। इसमें से साथियों हुआ क्या है कि जो एम्स दिल्ली है वो सभी एमसीएच के लिए, जितने भी नए एमसीएच हैं और जितने भी पुराने एमसीएच हैं, इसके अलावा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनके लिए नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी को फिल करने के लिए एक एग्ज़ाम करवाएगा जिसको आप नोटशीट नाम से जानते हैं। लेकिन साथियों, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं जो इस नोटशीट में शामिल नहीं होना चाहते हैं या फिर नहीं होने वाले हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट के द्वारा भी नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो जल्द ही निकाली जाएगी। ऐसा क्यों होने वाला है, इसका सही और सटीक जो जानकारी है वो आपको ब्रांड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए साथियों, यहाँ पर आपको बता दें कि नोटशीट साल में दो बार होगा, ये बातें हमने पहले भी 1 तारीख के वीडियो में बता दी थी। अब साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट थे, 30 पार्टिसिपेंट थे टोटल साथियों, जितने भी एमसीएच हैं सभी एमसीएच के डायरेक्टर थे यहाँ पर। इसके अलावा पीजीआई चंडीगढ़ था, जिपमर पुडुचेरी भी था, लेकिन निमहांस इंस्टीट्यूट यहाँ पर नहीं आया था। अब साथियों, इसमें से क्या हुआ है कि पीजीआई चंडीगढ़ ने अनाउंसमेंट कर दी है अपनी नई नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी को लेकर। आप सभी जानते हैं पीजीआई संगरूर के लिए जो 195 पदों पर जो वैकेंसी निकाली गई थी उसके लिए जो एग्ज़ाम है वो 30 मार्च 2023 को कंडक्ट हो चुका है। उसका रिजल्ट साथियों 2nd वीक ऑफ अप्रैल में आ जाएगा, मतलब 15 से 20 अप्रैल के बीच में इसका रिजल्ट आने वाला है। तो जब भी उसका रिजल्ट आएगा वो अपडेट तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन जो पीजीआई चंडीगढ़ की वैकेंसी आने वाली है नर्सिंग ऑफिसर की, कितने पोस्ट पर आने वाली है, कब तक वैकेंसी पूरी हो जाएगी, वो सारी बातें आपको इसी वीडियो में बताएंगे। कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। साथियों, उस मीटिंग के बाद पीजीआई जो चंडीगढ़ है उसके जो डिप्टी डायरेक्टर हैं कुमार गौरव धवन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि उनके पास पीजीआई चंडीगढ़ में 370 जो पोस्ट हैं वो वैकेंट हैं और इनको करना क्या है कि ये इंस्टीट्यूट अभी एबल है सितंबर एंड तक ये वैकेंसी फुलफिल करने के लिए। अब देखिए साथियों, यहाँ पर जो बात है वो यह है कि 370 जो पोस्ट यहाँ पर वैकेंट हैं पीजीआई चंडीगढ़ में, उसमें से नर्सिंग की कितनी है। अब देखिए साथियों, जितनी भी हैं वो हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, लेकिन ये जो सारी वैकेंसी हैं, जो सारी वैकेंट पोस्ट हैं, इनको 30 सितंबर 2023 से पहले पहले फिल किया जाना कंपलसरी है, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसने सभी से सितंबर तक का डाटा मांगा था कितनी पोस्ट यहाँ पर आपके पास वैकेंट हैं, उसी के अकॉर्डिंग आगे कार्रवाई होगी ताकि जो भी पेशेंट आने वाले हैं, जो भी पेशेंट वहाँ पर एडमिट हैं, उनको एक क्वालिटी जो केयर है वो मिल सके। ये वैकेंसी परमानेंट आएगी, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी नहीं आने वाली साथियों। इसमें से साथियों, जो अपना नर्सिंग सेक्शन है, नर्सिंग के यहाँ पर टोटल पोस्ट 155 वैकेंट हैं, जैसा कि आप यहां पर देख भी पा रहे हैं। तो साथियों, इसके लिए जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म हैं वो कब तक आएंगे और इसका एग्ज़ाम देखिए साथियों, जुलाई और अगस्त के बीच में कभी भी हो सकता है। इसके अलावा जो इसके फॉर्म हैं वो मई और जून के बीच में आपके आने की पूरी संभावना रहेगी। तो नोट सेट एग्ज़ाम के बाद जो दूसरी वैकेंसी आने वाली है पीजीआई चंडीगढ़ की आएगी, उन्होंने पहले बता दिया है। हम एक आरटीआई के द्वारा भी इसकी पूरी जो सूचना वो निकलवा लेंगे, आप बिल्कुल ना घबराएं। टोटल साथियों, यहाँ पर 200 के आसपास सीट वो वैकेंट हैं, लेकिन अभी 155 जो पोस्ट हैं उन पर ये वैकेंसी आने वाली है। हालांकि आपको बता दें साथियों, यहाँ पर और भी वैकेंसी खाली हैं, कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी आने वाली है, तो आप ट्यूटर के पोस्ट के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। आप प्रोफेसर की जो पोस्ट है असिस्टेंट और एडिशनल हैं उनके लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं, तो काफ़ी आपके पास मौके रहने वाले हैं। एमएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं उनके लिए अलग से मौके रहेंगे, और जिन्होंने जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कर रखा है उनके लिए अलग से यहाँ पर मौका है। तो नोट शीट के साथ तैयारी कीजिए, जैसे ही कोई जल्दी अपडेट आएगी उसके रिगार्डिंग ब्रांड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल आपको सूचित कर देगा। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।